हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नए ब्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाइयों, आज हम आए हैं अपने खेत अपनी गेहूं देखने। तो भाइयों, आपको दिखाते हैं गेहूं, 2 महीने की गेहूं हो गया, तो आपको दिखाते हैं। देखियो भाइयों, गेहूं स्प्रे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। जो मंडूसी वगैरह थी, कबाड़ा था, वो सब मुरझा गए। गेहूं गेहूं दिख रही है। जो मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब बढ़िया धूप निकल रही है, गर्मी है मौसम में। कल भी बहुत गर्मी थी मौसम में और आज भी भाइयों धूप में तो काफ़ी गर्मी लगती है, और शाम को ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह शाम की ठंड है बहुत बढ़िया, तो ये गेहूं के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत ही फायदेमंद है। ये जो ओस पड़ती है ना उस पे, गेहूं के पौधों पे, इनके लिए बहुत ही अच्छी है रहती है। ये आज हम देख रहे हैं अपने गेहूं खेत में घूम के, वही जहाँ जहाँ भी कमी है ना, वहाँ फिर अगली बार थोड़ा खाद रखेंगे ज़्यादा, भाई पेड़ को भी ग्रोथ मिले अच्छी से। तो भाइयों, घूम रहे हैं अपने खेत की हर एक डोल पर। ये वाली भाइयों हो गया 2.5 महीने की गेहूँ आई है वाली। तो भाइयों, बनाएंगे अब चाय। चाय बनाने लग रहे हैं। घर पे आज कोई नहीं है, आज भाई जी घर के जा रहे हैं पकोड़े खाने बांध पर। भाई अकेला है घर पे, तो खुद ही भाइयों चाय बनानी पड़ेगी। चीनी और पत्ती तो डाल दिया, अब चाय उबलेगी फिर इसमें दूध डाल लेंगे। तो हम देखते हैं भाई खाने के लिए कुछ है। लो भाई, ये परोठा मिला है, हाफ परोठा चल जाएगा अपना काम। तो भाइयों, अब इसमें खद्दा लगने वाला है और अब इसमें दूध डाल लेंगे। चाय बन के हो गया रेडी, अब ये खद्दा लगा के इसको कढ़ा के लाल बना देंगे चाय को। लो भाइयों, खाएंगे अब परोठा और 2-4 बिस्किट और चाय के साथ। पूर्वी का देखो डांस परफॉर्मेंस, पूर्वी प्रैक्टिस पे है पूरी जोरों शोरों से। पूर्वी स्कूल में फंक्शन है,